काफी दिन हो गए भाई ऐसे कहीं बोटिंग वगैरह पे गए हुए। लिटरली मैं भाई मेरे घर से थोड़ी ही दूरी पे पूरा का पूरा बीच है, बट स्टिल मैं कभी भी जेट स्की वगैरह लेके या फिर बोट वगैरह लेके कभी भी पानी के अंदर नहीं जाता। बट मैंने आज डिसाइड किया है आज मैं जाऊंगा गाइस बोटिंग पे जाऊंगा। यस एंड बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि लिटरली मैं भाई तुम लोग याद करो आखिरी बार कब गया हूँ मैं बोटिंग पे, बहुत टाइम हो गया है। एंड मेरे पास कोई जेट स्की वगैरह तो है नहीं, इसलिए मैंने सोचा है माइकल से हम लोग एक जेट स्की उधार लेंगे एंड दे देगा वो रेंट वगैरह पे भी नहीं, ऐसे ही दे देगा, अपना दोस्त ही तो है, भले ही थोड़ा खड़ूस सा हुआ तो क्या हुआ, है तो अपना दोस्त ही, तो उससे भाई जेट स्की ले लेंगे हम लोग उधार पे एंड फिर वही जेट स्की लेके चलेंगे हम लोग बीच की तरफ। क्योंकि बीच पे जाके वहां पर से जेट स्की रेंट पे लेना उसमें थोड़ा सा मतलब दिक्कत रहती है, कभी कभी जेट स्की मिलती भी नहीं है एंड कभी मिलती भी है तो उन जेट स्की की हालत जो है वो अच्छी नहीं होती है, इसलिए मैंने सोचा है माइकल से ले लेते हैं जेट स्की, वो बेटर रहेगा। बाकी निकालते हैं अपनी गाड़ी गैराज के अंदर से एंड ये गाड़ी एकदम परफेक्ट रहेगी भाई, ये सीरियसली में गाड़ी एकदम बढ़िया है, परफेक्ट रहेगी, इसके पीछे जेट स्की भी आराम से आ जाएगी। सो लेट्स गो फटाफट से क्विकली माइकल के घर निकलते हैं एंड वहाँ से उसकी जेट स्की उठा लेंगे, इस पे रख लेंगे, पास में ये माइकल का घर एंड पास में ही बीच है, मज़ा आने वाला है भाई, फन करने वाला हूँ मैं, बहुत दिन हो गए भाई। एंड आजकल समुद्र का पानी बिल्कुल शांत भी है एंड मौसम भी कितना प्यारा हो रखा है, ना ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना ज़्यादा ठंड पड़ रही है इस वक्त लॉस सैंटोस के अंदर, तो काफ़ी अच्छा माहौल है। चलते हैं क्विकली, लेट्स गो फुल स्पीड। ओके ड्रिफ्ट भी लगा रहा हूँ यार, बताओ मैं तो एक पिकअप ट्रक से ड्रिफ्ट लगा रहा हूँ मैं, क्या बात है। माइकल के घर पहुँचने वाले हैं भाई, मैं कह नहीं रहा बहुत ही पास है इसका घर, यहाँ से आगे से एक छोटा सा लेफ्ट लेना है एंड देन हम लोग माइकल के घर पहुंच जाएंगे कुछ इस तरीके से। वेट हाँ, यहाँ से एक लेफ्ट कट एंड ये रहा माइकल का घर, देख लो भाई ये रहा, कितनी जल्दी पहुंच गया मैं। चलो क्विकली इधर से इधर, माइकल भाई गेट खोल। ओके थैंक यू फॉर ओपनिंग द गेट माइकल भाई, कैसे हालचाल। ओके वो रही देखो भाई जेट स्की, माइकल भाई तेरी ये जेट स्की ले जा सकता हूँ मैं, मना कर रहा है भाई तू, ले जा सकता हूँ थैंक यू यार, किराए पे, अब ये तो तूने गलत बात कर दी यार, तू रेंट पे देगा अपने दोस्त को भी, सीरियसली मैं भाई माइकल यार, मैं तो सोच रहा था कि फ्री में आके ले जाऊंगा, तू रेंट पे दे रहा मेरे को जेट स्की यार। ठीक है कोई बात नहीं माइकल भाई, मैं नहीं ले जा रहा तेरी जेट स्की, छोड़ रेंट पे लेनी होगी जेट स्की तो मैं बीच से ना ले लूँ, मजाक कर रहा था तेरी ऐसी तैसी, तू बहुत मजाक कर रहा है आजकल, तुम्हें नहीं लग रहा यार ये माइकल आजकल कुछ ज़्यादा ही मजाक कर रहा है। ठीक है तूने मेरे साथ मजाक किया, मैं थोड़ा सा तेरे साथ मजाक कर लूँ, वह डरा नहीं है तू बिल्कुल भी, एक सेकंड मैं थोड़ा सा तेरे साथ मजाक कर लूँ। ओह नो ओह शिट सॉरी माइकल ब्रो, ओहो उसके ऊपर से गाड़ी निकाल दी, हाँ वो बात अलग है, बिल्कुल जस्ट मेरी गाड़ी के नीचे था, वो पहियों के नीचे नहीं आया, बट सॉरी यार माइकल कुछ ज़्यादा ही मजाक हो गया। निकलते हैं यार बीच की तरफ, लेट्स गो क्विकली, बढ़िया वाली जेट्स की मिल गई भाई, मज़ा आएगा आज तो बीच पे, लेट्स गो। एंड हियर वी आर एवरीवन, आ चुके हैं बीच की तरफ, जेट्स की भगाने वाला हूँ मैं। देखो मेरी ये जो गाड़ी है, ये जो पिकअप ट्रक है, मैक्सिमम कितनी स्पीड तक जा पा रहा है, रुक जाओ लेट मी जस्ट क्विकली चेक इट। ओके मैक्सिमम ये 200 तक चला जाएगा आई गेस, हाँ 200 तक आराम से जा पा रहा है, 250 तक भी चला जाएगा, मतलब ये पिकअप ट्रक 250 तक जा रहा है, तो मेरा टारगेट है मेरी जेट स्की को 250 तक ले जाना। वैसे काफ़ी मुश्किल है क्योंकि आमतौर पे भाई जेट स्की जो है 150-180 तक ही जाती है, बट स्टिल मैं ट्राई करूँगा। निकालते हैं इसे, आर यू रेडी फॉर दिस, लेट्स गो एवरीवन। अब भगाते हैं भाई जेट स्की, 150 देखो 150 तक तो आराम से पहुंच गई है, 160-170 मैंने कहा नहीं भाई, आमतौर पे जो जेट्स की वगैरह है 160-170-180 तक जाती हैं एंड हियर यू कैन सी भाई 160-120 तक आराम से जा रही है ये, 170 तक भी गई थी अभी, 180 ओके कम ऑन 200 मैंने टच कर दिया अभी, ऑलमोस्ट 200 टच कर दिया था भाई अभी मैंने, ये देखो ओके काफ़ी सही दौड़ रही है भाई ये जेट्स की, मतलब दौड़ क्या रही है, काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रही है ये जेट्स की। ओके कम ऑन, एक तो इसका कलर ही बिल्कुल ही अजीबो गरीब सा यार, कलर पसंद नहीं आया मुझे माइकल की जेट स्की का, लिटरली मैं भाई ये देखो कैसा कलर है, पानी के साथ पूरा मिक्स हो जाता है, वरना कोई दूसरा कलर होता तो सिनेमैटिक शॉट्स बड़े अच्छे आते, बट ये देखो पानी के साथ ही मिक्स हो रही है। खैर इसकी स्पीड हमें कोशिश करनी है 200 से ऊपर रखने की, ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है, 180 बड़ी मुश्किल से पहुँच रही है ये, कोई बात नहीं ट्राई करते हैं, कभी ना कभी तो ये 200 पहुँचेगी ये या 200 से ऊपर। कम ऑन गाइस कोशिश करते हैं इस जेट स्की को,
200 से ऊपर स्पीड तो देखो पहुंच पा रही है, लेकिन 200 से ऊपर कंटिन्यू मैं रख नहीं पा रहा उसे, तो मुझे कोशिश करनी है 200 से ऊपर होल्ड करके रखने की। अबे क्या है ये, बोट वाला मेरा भी पीछा कर रहा है। अरे भाई कहीं और चला ले। अबे इधर, अबे पागल है क्या ये, अबे सीरियसली मैं पागल ही लग रहा है मेरे को तो। ये भाई मेरा पीछा क्यों कर रहा है, ओके कहीं और गया। चलो भाई, हाँ तो मैं कह रहा था भाई 200 तक पहुंचाना काफी मुश्किल चीज है, 200 से ऊपर रख पाना उससे भी मुश्किल चीज है। क्या है ये बंदा, पागल वागल हो गया है क्या? बेटा आके बजा दूंगा मैं तेरे में। वेट एवरीवन, उसके अंदर कोई है नहीं, उसके अंदर कोई है नहीं भाई। ओ ये बोट फिर मेरा पीछा कैसे कर रही है, उसके अंदर सीरियसली में कोई नहीं है भाई। भूत वूत चला रहा है क्या बोट, या फिर कोई लेट के चला रहा है उसके अंदर। रुको जरा, रुको भाई जरा रुको, कुछ गड़बड़ सी लग रही है यार, ऐसा कैसे हो सकता है, बिना बंदे के कैसे कोई बोट चल सकती है। ओके जल्दी से, अरे यार नहीं है इस पे कोई बंदा सीरियसली में। ओ ये देखो इसका ये व्हील अपने आप ही घूम रहा है, क्या व्हाट द हेल भाई, इसका व्हील सीरियसली में भाई अपने आप ही घूमा था। ये देखना तुम लोग, ये देखो भाई कैसे हो रहा है ये भाई, इस बोट में घोस्ट है। ओए भागो, ओए ओ जल्दी भागो, ओए 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 भूत देख लिया मैंने सुबह सुबह। अबे यार मैं सिंपली इधर बोट चलाने आया था, जेट स्की से मजे करने आया था, भूत से सामना नहीं करने आया था भाई। उस बोट के अंदर लिटरली में भूत है, एंड वो भूत मेरे पीछे पड़ गया है। आई एम सॉरी ब्रदर, सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरा पीछा छोड़ दे। अबे नहीं छोड़ रहा भाई, वो तो मेरे ही पीछे आ रहा है। मैं कहां जाऊं, मैं कहां जाऊं, मैं कहां जाऊं गाइस। ओ नो, लिटरली में भाई वो तो मेरे पीछे आ रहा है। उन्होंने मैं बहुत बुरी तरीके से फंस गया, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मेरे पीछे भूत क्यों पड़ गया है। अरे यार भूत कहाँ से आ गया ये, अबे अब नहीं आ रहा शायद वो, या फिर अभी भी आ रहा है वो, अबे अभी भी आ रहा है। अबे कोई किलर बोट है, घोस्ट बोट है, ये क्या है ये बोट। भागो भाई भागो 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 भाई भागो, सीरियसली में कोई घोस्ट वाली बोट मेरे पीछे पड़ गई है भाई, पीछा ही नहीं छोड़ रही यार ये बोट। भागते रहो भागते रहो भागते रहो, प्लीज बोट भाई मेरा पीछा छोड़ दे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है यार। मैं जा रहा हूँ गाइस, मैं छोड़ के भाग रहा हूँ ये जगह, सीरियसली में ये बहुत ही खतरनाक है। क्या हो रहा है आजकल के बीचेस पे, भूत चला रहे हैं यार बोट। भागो 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 भागो, मेरी मेरी गाड़ी की धरती, अबे मेरी गाड़ी उधर, मैं पैदल ही भाग लूंगा। भागो भागो, भूत है भूत है भूत भाई, भूत भूत है भाई उस बोट के अंदर, सीरियसली में भूत है। भागो, अरे भाई साहब इधर मत खड़े रहो, वो बोट आ रही है, वो येलो कलर की पीछे आपको बोट दिख रही है। कहाँ गई वो बोट, वो बोट भी गायब नहीं हो रही, वो आपको बोट दिख रही है, वो उसके अंदर घोस्ट है, वो देखो इधर ही आ रही है वो भूत वाली बोट। भागो सर आप भागो, सर भागो, अरे सर आपको डर नहीं लग रहा, क्या बोल रहा भाई तू, इसके अंदर कोई घोस्ट नहीं है, तुझे कैसे पता बे, ये बोट तू कंट्रोल कर रहा है। वेट व्हाट, सीरियसली, अबे यार ये कोई आरसी बोट है। अबे भाई मैं तो सोच रहा इसके अंदर कोई भूत वूत आ गया है, ये बोट मेरा पीछा, तो मेरा कब से पीछा क्यों कर रहा था बे तू, डराने के लिए मुझे। टकले बजा दूंगा मैं तेर में, सुबह सुबह मैं ही मिला हूं तेरे को डराने के लिए। भाई क्या तगड़ा पागल बनाया इसने मेरा, सीरियसली में भाई मैं तो पागलों की तरह दौड़ता हुआ भाग रहा था, भूत वाली बोट मेरा पीछा कर रही है। ये बंदा आरसी बोट लेके आया है, बताओ आरसी कार आरसी ट्रेन सुना था, अब आरसी बोट भी आने लग गई है। वैसे वाओ यार, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। वैसे भाई तूने आरसी बोट बनवाई है या खरीदी है, बनवाई है, कितने कितने में पड़ी भाई ये, 50 लाख। अच्छा इंटरेस्टिंग है काफी भाई, मैं भी जरा आरसी बोट बनवाता हूँ, मेरे बस की नहीं है। भाई क्या बकवास कर रहा है, तेरे से बढ़िया आरसी बोट बना लूंगा मैं, चैलेंज दे रहा है ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड भाई, नहीं बना पाऊंगा मैं 50 लाख में ही, और बता बढ़िया बोट बनाऊंगा, वो भी तेरी, तो ये लोकल सी सिंपल सी सस्ती सी बोट लग रही है, मेरी एकदम टॉप क्लास 5 स्टार लेवल की बढ़िया वाली हाई क्वालिटी बोट बनाऊंगा मैं, तू देख लियो। चैलेंज ठीक है भाई, चैलेंज एक्सेप्टेड। कल मिलते हैं, कितना टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है 11, कल मिलते हैं यही 11 बजे, तू अपनी ये बोट लेकर आइयो और मैं अपनी आरसी बोट लेकर आऊंगा जिसको मैं 50 लाख में ही बनाऊंगा ठीक है। इस चैलेंज लग चुका है यहाँ पर बहुत ही खतरनाक वाला आरसी बोट बनाने का, ये बंदा कह रहा है कि मैं नहीं बना सकता 50 लाख में आरसी बोट, बट मैंने इससे चैलेंज कर दिया है, मैंने इससे वादा कर दिया कि भाई कल 11 बजे यही मिलेंगे एंड मैं तुझे मिलूंगा मेरी आरसी बोट के साथ, जो कि तेर से भी तगड़ी बोट होगी। चलो भाई
फिलहाल तो ये माइकल की जेट्स की उसे वापस करते हैं एंड आरसी बोट बनाते हैं। भाई यार मेरे को भी सोचना चाहिए था कि भूत वूत कहाँ से आ सकता है कोई बोट में, और मान लो बोट में आ भी गया तो मेरा पीछा क्यों करेगा। बट स्टिल वही बात है ना भाई, ये बोट मेरा पीछा कर रही थी इसीलिए तो मेरे को लगा कि भूत है, क्योंकि ऐसे नॉर्मली बताओ अगर कोई बंदा आरसी से मतलब रिमोट से बोट को कंट्रोल करेगा तो मेरे पीछे क्यों भगाएगा। वो बंदा मेरे को डरा रहा था, मैं जितना ही डर रहा था वो और ज्यादा डरा रहा था। खैर जो भी हो, अब तो पता चल गया वो एक आरसी बोट थी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं भी अब उससे तगड़ी आरसी बोट बनाऊंगा। भाई धोखा मत दे दियो, कल 11 बजे आना है यहाँ पे। ठीक है चल, चलो भाई आरसी बोट बनाने का काम अभी से ही शुरू कर देते हैं। सबसे पहले माइकल को उसकी जेट्स की देकर आता हूँ मैं क्विकली, लेट्स गो। एंड कैसी आरसी बोट बनाऊँ यार, कुछ दिमाग में है नहीं मेरे, कुछ प्लान कुछ अलग सी बनाएंगे, जैसी बोट किसी भी ने भी लॉस्ट सैंटोस में देखी ना हो, अलग सी हटके, कलर भी उसका डिफरेंट। इसकी आरसी बोट का क्या कलर था? येलो। मेरी आरसी बोट का कलर मैं रखूँगा ब्लैक, नहीं ब्लैक, ब्लैक के साथ कोई और कलर भी। क्या कलर रखा जाए कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ सुपर कार स्टाइल वाली बोट बनाऊँ क्या? हाँ यार कुछ सुपर कार रिलेटेड बोट हो, जैसे लैम्बोर्गिनी है उसके थीम पे कोई बोट बन जाए, बुगाटी है उसके थीम पे कोई बोट बन जाए। यस यस, बुगाटी के थीम पे मैं बोट बनवाऊंगा। यस यस, ये आइडिया एकदम सॉलिड रहेगा। बोट बनाने वाला चाहिए मेरे को एक तो सबसे बढ़िया। देखो बोट बनाने से मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को बस एक पुरानी सी कोई बोट चाहिए, उसको मैं किसी बोट रिपेयर करने वाले या बोट कस्टमाइज करने वाले बंदे के पास ले जाऊंगा एंड उसको एक बुकाटी दे दूंगा रेफरेंस के लिए। एंड मैं उसे कहूंगा कि देख भाई इस थीम पे तुझे इस बोट को कस्टमाइज़ करना है, एंड देन वो करके दे देगा मुझे। यस, लेकिन ये सब ध्यान रखना है मुझे कि ये सब 50 लाख के अंदर ही करना है, तो इसीलिए मेरे को सेकेंड हैंड बोट लानी पड़ेगी, कोई नई बोट नहीं। सेकेंड हैंड से भी सस्ती बोट मिल जाए तो वो भी बढ़िया है। आई गेस मैं वहाँ जा सकता हूँ स्क्रैप यार्ड में, मे बी वहाँ से, नहीं यार वहाँ पर कोई ढंग की बोट मिलती तो है नहीं। लॉस सैंटोस के दूसरे बीचेस पे चलते हैं गाइस, वहाँ पर कोई बंदा बेच रहा होगा अपनी ओल्ड बोट, तो हम लोग उसे परचेज कर लेंगे। यस ये ठीक रहेगा। एंड देन हमें बोट कस्टमाइज़ करने वाला बंदा चाहिए, तो इसके बारे में मैं पता कर लूँगा लेस्टर से। एंड ये जेट्स की मैं अपने घर पे क्यों लेके आ गया, छोड़ो इसे घर पे ही रख देते हैं, अपने स्विमिंग पूल में डाल देंगे, बाद में दे देंगे माइकल को ये। अभी तो हमें पूरा का पूरा प्लान एग्जीक्यूट करना है एंड कल सुबह 11 बजे तक अपनी आरसी बोट बनानी है, वो भी बुगाटी थीम पे। जस्ट इमेजिन वो कितनी बढ़िया लगेगी भाई बोट। इसीलिए तुम लोग जाओ यार वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जल्द से जल्द मेरी बोट रेडी हो जाए। यस अभी कभी जाओ वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हियर वी गो। इसको मैं स्विमिंग पूल में फेंक देता हूँ, रुको घर के पीछे से लेके चलते हैं, यहाँ से इधर एंड देन यहाँ से कम ऑन इधर एंड देन यहाँ से इधर। लेट्स गो, लेट्स थ्रो इट। आर यू रेडी? कम ऑन कम ऑन। और भाई उछाल दी है तो पूरी की पूरी बोट ही। एंड ये जेट्स की आ गई भाई अपने स्विमिंग पूल में, छोड़ दे इसे यहीं पे, माइकल को बाद में दे दूंगा मैं। अभी तो हम लोग सबसे पहले लॉस सैंटोस के डिफरेंट डिफरेंट बीचेस की तरफ चलते हैं गाइज, वहाँ से कोई बड़ी सी बोट का जुगाड़ करते हैं जिसको बाद में कस्टमाइज करके बुकाटी थीम पे एक बढ़िया सी सुपर बोट बनाई जा सके। भाई मजा आ जाएगा, सुपर आरसी बोट। वाओ सुनने में ही नाम कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, या आरसी सुपर बोट, जो भी है सुपर आरसी बोट बढ़िया लग रहा है। तो लेट्स मेक सुपर आरसी बोट एवरीवन। लॉस सैंटोस के जिस बीच से अभी मैं आ रहा हूँ वहाँ पर तो मुझे नहीं कोई बोट दिखी, दूसरे बीचेस की तरफ चलते हैं जैसे कि पैसिफिक बीच। ये वाला बीच काफ़ी फेमस है, यहाँ पर एक्चुअली में बंदे बोटिंग वगैरह ही करने के लिए आते हैं। आगे की तरफ एक बड़ा सा बोट हाउस भी है, ये देखो बंदे बोटिंग कर रहे हैं, लेकिन ये तो जेट्स की लेके घूम रहे हैं यार सारे के सारे। जेट्स की थोड़ना चाहिए अपने को, मुझे तो बड़े साइज़ की थोड़ी सी बोट चाहिए। ये रहा बोट हाउस एंड यहाँ पर भी सिर्फ जेट्स की ही नज़र आ रही है। नहीं भाई यहाँ तो बात नहीं बनने वाली अपनी। देखो ये भी एक बीच है, मैं कहना था लॉस सैंटोस के अंदर काफ़ी सारे बीचेस हैं, यहाँ पर तो यार जेट्स की है ना भाई, मज़ा नहीं आया, यहाँ से बात नहीं बनने वाली अपनी। ये देखो इधर भी जेट्स की बड़े बड़े साइज़ की बोट चाहिए। दूसरे बीच की तरफ निकलते हैं, एक बीच इधर की तरफ है यहाँ से नीचे, काफ़ी बढ़िया शॉर्टकट आराम से एंड हियर वी गो। आ गए यहाँ पर, वैसे ज़्यादा बंदे अब आजकल आते नहीं हैं, काफ़ी सारे इधर पत्थर वगैरह है ना, फिर भी हाँ एक आध बंदे आ जाते हैं, लेकिन कोई भी बोट लेके तो नहीं आया है। अब यार इधर आने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, कोई बात नहीं आगे की तरफ और बीच से हम लोग उधर चलते हैं, उसके लिए वापस जाना पड़ेगा। मिलता हूँ मैं गाइस तुम लोगों से नेक्स्ट वाले बीच पे।
नेक्स्ट बीच है भाई इधर की तरफ, काफ़ी फेमस बीच हुआ करता था पहले ये, अब ज़्यादा बंदे आते नहीं हैं इधर, बट यहाँ से बोट्स नज़र आ रही हैं यार, कुछ बंदे आए हैं भाई इधर एक आध। ओए छाते वाते तो हैं भाई नीचे, बंदे होंगे डेफिनेटली, बोट्स तो हैं, तीन तीन बोट है बल्कि। ओ ये तो रहे दो बंदे बैठे तो हैं, इनसे परचेज करने के बारे में पूछते हैं। ओ भाई सब काफ़ी बढ़िया बोट है। हेलो एक्सक्यूज मी मैडम, हेलो एक्सक्यूज मी सर, आप लोग जरा वो बोट बेच सकते हो क्या? बेच सकते हो? तीनों में से कोई सी भी खरीद लूँ मैं? अरे वाह थैंक यू, लेट मी जस्ट क्विकली चेक इट कौन सी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। देखो भाई ये तो बिल्कुल ही नॉर्मल एवरेज बोट है, ये वाली थोड़ी अच्छी क्वालिटी की बोट लग रही है। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं हमारी बुकाटी स्पेशल बोट में, वो भी नॉर्मल क्वालिटी की। आई गेस ये वाली बोट ज़्यादा बेटर है भाई। सर इस वाली बोट के बारे में क्या ख्याल है आपका, कितने में ये सर बोट बेच सकते हो? नहीं है ये, नहीं मुझे तो मतलब ख़रीदना है, बताओ आप। 25 लाख? अरे वाह यही तो चाहिए, 50 लाख का मेरा बजट था गाइज मुझे सुपर आरसी बोट बनाने के लिए, 50 लाख लगाने थे बस, 25 लाख में बोट हो जाएगी, 25 लाख में कस्टमाइजेशन। सर मैं परचेज करने के लिए रेडी हूँ, ये बोट आज मेरी हुई, लो पैसे। देखो भाई बोट तो अब मैंने ये वाली परचेज कर ली है, ठीक है, लैम्पार्ड डाटी कुछ ऐसे करके नाम है इसका, लैम्पार्ड डाटी। तो ये बोट मैंने परचेज कर ली, एक बार ज़रा टेस्टिंग तो कर लो यार ठीक ठाक चल भी रही है कि नहीं, क्योंकि वो बंदा पूरा लुक चेंज करेगा जिसको मैं बोट कस्टमाइज करने के लिए दूंगा, वो बंदा इसका सिर्फ लुक चेंज करेगा एंड इसको रिमोट कंट्रोल्ड बनाएगा, इंजन वगैरह में थोड़ा ना चेंजेस करेगा, तो इसीलिए एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक ही लग रही है स्पीड तो, 100-150 तक जा रही है, ठीक है आई गेस लेकर चलते हैं गाइस इसको क्विकली। अभी तो पहले लेस्टर से पूछना पड़ेगा, किसी बोट कस्टमाइज करने वाले बंदे को जानता है क्या है वो, एंड देन फिर हम लोग चलेंगे। अरे लेकिन इस पिकअप ट्रक पे ये बोट आ जाएगी, ट्राई करते हैं, आ तो जानी चाहिए, मुश्किल लग रहा है, लेट मी ट्राई। आ तो गई है भाई ये बोट, लेकिन बड़ी मुश्किल से आई है, बट जैसे तैसे आ तो गई आखिरकार। अब क्विकली यहाँ से लेस्टर के घर निकलते हैं। ओके ये बोट चढ़ेगी, ओ बोट नहीं बोट के साथ गाड़ी, ओ तेरी काफ़ी हैवी पड़ रहा है इस गाड़ी के लिए अब, बट कोई बात नहीं हो जाएगा सब आराम से। ओके क्विकली इधर एंड यहाँ से क्विकली इधर, लेट्स गो भाई चलो बढ़िया। लेस्टर का घर वैसे पास में ही है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं जाना है अपने को, तुम लोगों को दिखाता हूँ मैं, रुक जाओ लेस्टर का घर कहाँ है वो देखो, सामने वाली गली है उधर की तरफ ही है, क्विकली निकलते हैं। ओके यहाँ से अब राइट एंड देन सीधे, कौन सी गली थी अब उधर से तो दिख रही थी, हाँ वो रही, चलो चलो चलो, होप कि लेस्टर घर पे ही हो, होगा ही घर पे और कहाँ जाएगा वो। तो देखो भाई ये है लेस्टर की गली जो कि मैं तुम्हें वहीं पहाड़ के ऊपर से दिखा रहा था। आ गए लेस्टर भाई, यहाँ रोकते हैं अपनी गाड़ी को, गाड़ी कहाँ है, गाड़ी से ज़्यादा तो बोट नज़र आ रही है इसके अंदर। लेस्टर भाई, लेस्टर भाई, लेस्टर भाई कहाँ है? ओके ये रहा लेस्टर भाई। यार मेरे को ज़रा एक चीज़ पता करनी थी, तू किसी बोट कस्टमाइज़ करने वाले बंदे को जानता है क्या जो, अबे पहले पूरी बात तो सुन ले, बोट कस्टमाइज़ करने वाला बंदा जो कि मेरी बोट को आरसी बोट में फुल्ली कन्वर्ट कर सके एंड थोड़ा थीम सेट कर सके बोट का बुकाटी के थीम पे, ऐसे किसी बंदे को जानता है? जानता है लेकिन काफ़ी पैसे चार्ज करता है। कोई बात नहीं तू बता दो वो बंदा कहाँ रहता है। ओके तो ये कह रहा है लॉस सेंटोस से काफ़ी दूर, लॉस सेंटोस के विलेज की तरफ, उधर जो वो जो बड़ी सी लेक नहीं आती भाई, उस लेक के दूसरी तरफ एक विलेज है वहाँ पर। ओके चलते हैं फिर, पक्का विलेज में कोई आरसी बोट बनाने वाला बंदा मिलेगा? लगता तो नहीं है। अब लेस्टर कह रहा है तो सही कह रहा होगा, लेकिन ये कह रहा है ज़्यादा पैसे चार्ज करता है वो, देखते हैं कितने ज़्यादा चार्ज करता है। लेट्स गो गाइस, भगाते हैं अपनी गाड़ी को एंड लेकर चलते हैं लॉस सेंटोस के विलेज की तरफ, उस लेक के उस पार। ओके वैसे इस गाड़ी के ऊपर ये जो बोट रखी है, इसके सिनेमैटिक्स देखो तुम लोग, कैसा अजीबोगरीब लग रहा है यह सीन, लिटरली में बहुत ही अजीब लग रहा है यार। खैर क्विकली निकलते हैं यहाँ से, चलो चलो भाई लॉस सेंटोस के विलेजेस की तरफ हम लोग पहुँच चुके हैं एंड लेक ये रहा, अब लेक के उस तरफ चलना है, तो लेक के उस तरफ चलते हैं क्विकली। ये रही है बड़ी सी लेक, कम ऑन काफ़ी लंबा रास्ता है यार, शॉर्टकट नहीं है। हाँ मैं बोट लेके जा सकता हूँ उस पार आराम से, अरे तो बोट लेके ही चलते हैं ना भाई, ये सही है, गाड़ी के ऊपर ये बोट रख के क्या फ़ायदा, वैसे भी उस पार ही जाना है जस्ट, तो हम लोग एक काम करते हैं बोट लेके चलते हैं, लेकिन फिर उस पार से इधर कैसे आऊँगा मैं? नहीं 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 छोड़ो आइडिया कैंसिल भाई। ओके हट जाओ भाई हट जाओ, सामने से हट जाओ क्विकली प्लीज़, यहाँ से सीधे प्लीज़ बी असाइड एवरीवन। ओके कम ऑन हट जाओ यार,
ओके आ गया भाई ये कच्चे रास्ते पे, एंड इधर की तरफ ही वो विलेज है जहाँ पर मेरे को बोट कस्टमाइज करने वाला वो बंदा मिलेगा। मे भी ये भी तो एक विलेज ही लग रहा है, यहीं पे है भाई बोट कस्टमाइज करने वाला बंदा। हेलो हेलो मिलर्स बोट शॉप, यस एक बोट शॉप करके है तो यहाँ पर एक शॉप। आई गेस गाइज यही है वो जगह जहाँ पर बोट कस्टमाइज करने वाला बंदा मिलेगा मुझे, लिखा है देखो साफ साफ मिलर्स बोट शॉप। हेलो भाई साहब कोई है क्या? बोट शॉप का ओनर कहाँ है भाई? बोट शॉप के ओनर भाई कहाँ है ओनर? सर आप हो, आप में से कोई बोट शॉप का ओनर है? नहीं, अंदर होगा शायद, अंदर से बुलाते हैं ज़रा क्विकली। चलो हेलो दरवाज़ा खोलो। हेलो सर आप हो इस बोट शॉप के ओनर? अच्छा लगा आपसे मिलके। सर देखो ये जो बोट है, रुक जाओ मैं आपको दिखाता हूँ क्विकली, यहाँ से नीचे उतारने दो। तो सर देखो ये जो बोट आप देख पा रहे हो ये वाली बड़ी सी, मुझे इसको फुल्ली कस्टमाइज़ करना है एक आरसी बोट में। मुझे अपने दोस्त के थ्रू ये पता चला कि आप आरसी बोट वगैरह भी कस्टमाइज़ करते हो, तो मुझे इसको फुल्ली कस्टमाइज़ करना है एक आरसी बोट में, हो जाएगा सर? अरे वाह हो जाएगा भाई। तो इसके साथ साथ मुझे इसका पूरा थीम एंड लुक भी चेंज करना है, मेरे को ये पूरा लुक चाहिए एंड थीम चाहिए बुकाटी। बुकाटी सुपरकार आप जानते ही हो? नहीं देखी? अबे यार इन्होंने बुकाटी नहीं देखी है, कोई बात होती है ये? अरे सीरियसली में सर आपने बुकाटी नहीं देखी है? कोई बात नहीं मैं आपके रेफरेंस के लिए एक बुकाटी लेके आ जाऊंगा। तो मैं जो बुकाटी लाऊंगा उसी के थीम पर आपको इस पूरी की पूरी बोट को कस्टमाइज करना है, ठीक है सर? ओके सर, तो फटाफट से अभी फिलहाल इसे आरसी बोट बनाने के काम पे लग जाओ, मैं बुकाटी लेकर आता हूँ ताकि आपको एक रेफरेंस मिल सके। बताओ यार उन्होंने बुकाटी नहीं देखी है, अब बुकाटी का जुगाड़ कहाँ से करूँ मैं, ये सोचने वाली बात है। फिलहाल आरसी बोट बनाने के काम पे तो वो लग चुके हैं भाई, मुझे बुकाटी का जुगाड़ करना पड़ेगा। साइमन से रेंट पे लेके आ जाता हूँ ना भाई। हाँ मेरे को कौन सा उसे ले जाके रेस वेस करनी है, सिंपली बस रेफरेंस के लिए तो चाहिए, वो भी एक दिन के लिए, ये ठीक रहेगा। साइमन से बोट लेके बुकाटी लेके आ जाता हूँ भाई, एंड रेफरेंस के लिए हो जाएगी वो बुकाटी। एंड उसे देखकर इन वाले बोट रिपेयर वाले भाई साहब को अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई क्या थीम रखना है इस बोट का। एंड आरसी बोट तो फिलहाल वो कन्वर्ट कर ही रहे हैं, मज़ा आ जाएगा भाई कल उस बंदे से चैलेंज जो लगा के आया हूँ मैं, कल मज़ा आएगा जब उस बंदे के सामने मैं अपनी बुकाटी थीम वाली आरसी बोट रखूँगा भाई। उस बंदे की हालत ख़राब हो जाने वाली है। फिलहाल कल 11 बजे जाना है, अभी कितने बज रहे हैं? अभी 3 बज रहे हैं, अपने पास बहुत टाइम है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्विकली साइमन के शोरूम चलते हैं एंड वहाँ से बुकाटी पिक करके लाते हैं, पता नहीं उसके शोरूम पे होगी कि नहीं होगी, आई गेस। चलते हैं क्विकली, लेट्स गो। ओके साइमन के शोरूम पहुँचने वाला हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ, इधर से इधर वो रहा आगे की तरफ, हट जाओ भाई हट जाओ। अरे खम्बा उड़ा दिया खामखा। साइमन रो, ओ यस बुकाटी है इसके पास, असली वाली है कि नकली वाली है ये? पता नहीं नकली वाली क्यों लग रही है भाई, ये तो नकली वाली है, ये तो डेफिनेटली शर्त के साथ कह सकता हूँ नकली वाली है, बट ये थोड़ी असली वाली लग रही है थोड़ी। भाई ये असली बुकाटी है नकली, तुझे भी नहीं पता? अबे तो फिर तू ये कहाँ से लेके आया है? असली लग रही है गाइस, नकली वाली तो देखो ये है, इसका तो साफ साफ पता चल जाता है, बट वो तो डेफिनेटली असली है। खैर जो भी है भाई, मेरे को साइमन ये एक दिन के लिए चाहिए रेंट पे बुकाटी, ले जाओ फ्री में। चले बे तू और फ्री में कुछ दे दे, ऐसा कभी हो सकता है? मुझे लग ही रहा था मजाक कर रहा है तू, एक दिन के रेंट पे ठीक है मैं बाद में रेंट दे दूंगा, अभी लेके जा रहा हूँ मैं बुकाटी। हाँ हाँ संभाल के ले जाऊंगा, टेंशन मत कर। चलो गाइस क्विकली लेकर चलते हैं, पता नहीं असली, ओ स्पॉइलर तो आ रहा है यार इसको ऊपर, असली लग रही है फिलहाल, कोई नकली कॉपी तो नहीं लग रही है बुकाटी की। ठीक है गाइस बुकाटी तो यस स्पीड भी अच्छी है, यस ये डेफिनेटली असली है, हो सकता है कोई दूसरा मॉडल है हो, क्योंकि बुगाटी है भाई सेंटो डाइसी, बुगाटी विरोन, बुगाटी शिरोन, बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, तो डेफिनेटली ये कोई दूसरा मॉडल होगा। खैर जो भी हो मुझे इस बुगाटी को लेकर जाना है फटाफट से उस बोट वाले बंदे के पास, एंड उसको एज अ रेफरेंस ये गाड़ी देनी है ताकि उसे समझ में आ जाए। और कलर भी मैं बोल दूंगा कि भाई यही रखना है ब्लू एंड ब्लैक, क्योंकि बुगाटी का फील इसी कलर में आता है भाई। ओ नो स्क्रैच क्यों ला रहा हूँ मैं, क्विकली लेकर चलते हैं, लेट्स गो। कह नहीं रहा भाई बुकाटी का फील इसी कलर में आता है, ये देखो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है सड़क पे चलती हुई, स्पेशली इसके सिनेमेटिक्स देखो भाई, लग रहा है कि यस कोई सुपर कार आई है भाई मोहल्ले में। खैर जल्दी लेकर चलते हैं भाई, शाम हो गई है यार, काफ़ी टाइम लगेगा अभी तो उस बंदे को फुल्ली कस्टमाइज़ करने में, मुझे लग रहा है अभी तक तो पता नहीं उसने आरसी में भी कन्वर्ट किया होगा कि नहीं उसे, अभी तो फ़िलहाल उसे बुकाटी थीम पे भी चेंज करना है।
यस गाइस डेफिनेटली टाइम तो काफ़ी लगने वाला है, बट तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ताकि हमारी बुगाटी थीम वाली आरसी बोट जल्द से जल्द रेडी हो जाए। फिलहाल आ चुकी है बुगाटी कार फॉर द रेफरेंस। हेलो सर, काम पे लगे हो आप? हेलो, यस काम पे लगे हैं वो भाई साहब। सर ये रही बुगाटी, ठीक है, एज अ रेफरेंस आप इसे यूज़ कर लेना एंड फुल्ली इस बोट को चेंज कर दो। ये आरसी बोट अभी बनी कि नहीं बनी अभी? क्या लगता है सर आपको, ये बुगाटी वाली थीम पे एंड आरसी बोट टोटल मिला जुला के कितना टाइम लगता है आपको, कितना टाइम लगेगा इस पे? कल सुबह 8 बजे तक। ओके, कितने बज रहे हैं? 5 बज रहे हैं भाई अभी तो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहीं रुक जाता हूँ, अब लेके ही जाएंगे भाई यहाँ से अपनी बुगाटी वाली बोट। यस, यहीं पे रुक जाते हैं, ये भी कोई बोट हाउस ही लग रहा है। गुड नाइट एवरीवन। अबे लेकिन 5 बजे किस बात का गुड नाइट भाई, थोड़ा बाहर टहलते हैं, रात होगी तब सो जाएंगे। हेलो सर, हो गया क्या, आरसी बोट बन गई है? अरे वाह भाई, आप इसे फटाफट से क्विकली आप रात रात में बुगाटी वाली थीम पे बना दो एंड इसको देख के लगना चाहिए कि यस को ये बुगाटी रिलेटेड बोट है। लग जाओ सर काम पे। बाकी मैं चला सोने, 9 बज गए हैं भाई। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। इधर ही सो जाऊँ क्या, बोट पे ही, या फिर इधर? हाँ ये ठीक है। ओह शॉटगन किसके है, ये उठा लेते हैं, यहाँ सो जाता हूँ मैं, बढ़िया है ये जगह। गुड नाइट ऑफ, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है एंड सुबह के बज रहे हैं 8:15, 8 बजे तक बोला था भाई उस बंदे ने, इसका मतलब मे भी हमारी बोट रेडी हो चुकी है। लेट्स गो क्विकली चलते हैं। चलो 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 चलो, यस। ओ भाई, बुगाटी की थीम पे हमारी बुगाटी बोट रेडी हो चुकी है सर। कमाल कर दिया आपने सर, कमाल कर दिया सर, लिटरली में आप कमाल हो। अरे एक बार ये देखो भाई, ये है बुगाटी की कार, ठीक है, जस्ट लुक एट दिस, एंड वो है बुगाटी की बोट भाई। डिजाइन देखो, कलर देखो, क्या परफेक्टली मैच कर रहा है, बल्कि उसके उस बोट के अंदर व्हील्स लगा दो तो लगेगा कि वही बुगाटी है भाई साहब। ये जो कर्व है, ये क्रोम कलर में ये जो कर्व है, ये भी देखो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा है सर। आप मैजिशियन हो सर, क्या कन्वर्ट किया है वो तेरी। अब मैं इसे ट्राई करके देखूँ सर, ये आरसी बोट बन पाई है कि नहीं। ओके सर, लेट्स गो क्विकली ट्राई दिस, लेट्स ट्राई दिस एवरीवन। चलो 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 चलो, कैसे हाँ कैसे, क्या फोन से कनेक्ट करते हैं अपनी बोट को। अबे ले नीचे गिर गया मैं। फोन से कनेक्ट करते हैं अपनी इस बुगाटी बोट को, सुपर आरसी बोट को, एंड देन ट्राई करते हैं इसे चलाने का। चलो चलो क्विकली। ओके गाइस, तो यहाँ पर इस बोट को मैं अपने रिमोट से, मतलब आई मीन अपने फोन से कंट्रोल कर रहा हूँ। एंड हियर यू कैन सी भाई, यहाँ पर ये बोट चालू हो चुकी है एंड थोड़ी आगे भी बढ़ चुकी है। कम ऑन, थोड़ी और आगे बोट, कम ऑन, लेट्स गो एवरीवन। अबे घास में अटक जाएगी, रुको, अभी ठीक है, नाइस। तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो गाइस, यहाँ पर मैं साइड में हूँ स्पेयर के ऊपर एंड फ़ोन से मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ इस बोट को। बोट के अंदर तुम लोग ऑलरेडी देख सकते हो कोई नहीं है, बट स्टीयरिंग व्हील देखो भाई, बोट का ये स्टीयरिंग व्हील देखो, बिना किसी बंदे के घूम रहा है, क्या बात है। ओहो मैजिकल, क्या मस्त चीज़ है ये, क्या मक्खन चल भी रही है ये, वाह भाई इसकी स्पीड भी अच्छी है भाई, 170 तक जा रही है। अरे वाह, अबे लेकिन एक सेकंड भाई, कितने बज गए? 8:30 बज चुके हैं यार, 11 बजे तक मेरे को वहाँ पहुँचना है, लॉस सैंटोस के बीच पे। वहाँ कैसे पहुँचूँगा? अगर मैं इस बोट को भाई किसी गाड़ी वाड़ी पे रख के ले जाता हूँ तो पहले कोई गाड़ी लानी पड़ेगी, फिर बोट को लोड, अरे बहुत टाइम जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, रुको, इस बोट को इधर लाते हैं एंड मैं बोट पे ही जंप लगा देता हूँ। एंड ये जो पूरा इलाका है, ये जो झील है भाई, समुद्र से ही कनेक्टेड है, तो हम लोग इस झील के अंदर ही बैठ के चले जाते हैं, मतलब झील के ऊपर ही बोट को चला के लेके चले जाते हैं। सर मैं आपकी क्विकली पेमेंट कर देता हूँ। सर पेमेंट कितनी? 30 लाख। सर 25 कर दो सर, 25 कर दोगे अगर बुगाटी में आपके पास एक दिन के लिए छोड़ दूँ? ठीक है, छोड़ देता हूँ मैं बुगाटी आपके पास एक दिन के लिए, मस्त बिंदास एंजॉय करो, अगले दिन आके ले जाऊँगा मैं बुगाटी, बाकी आपके 25 लाख में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। एंड देन हम लोग निकलते हैं गाइस इस बुगाटी पे बैठ के। ओके गाइस, तो इस बोट के ऊपर मैं बैठ चुका हूँ, काफ़ी बढ़िया तरीके से बैठ क्या चुका हूँ, खड़ा हूँ मैं एंड अपने फ़ोन से कंट्रोल कर रहा हूँ इस बोट को। चलो भाई भगाते हैं, अरे कुछ ज़्यादा स्पीड हो रही है, मैं उड़ जाऊँगा भाई, इसको थोड़ा कंट्रोल्ड वे में लेकर चलते हैं। या फिर रुको, इसके अंदर भाई इसने ऐसा सिस्टम फिट किया है कि मैं डायरेक्टली डेस्टिनेशन भी सेट कर सकता हूँ एंड ये बोट अपने आप ही चलती रहेगी, यही कर देते हैं, ये बेटर रहेगा।
या फिर नहीं भाई, उस पर क्या भरोसा, बोट इधर उधर निकल जाए, मैं खुद ही कंट्रोल करने वाला हूँ गाइस बोट को। एंड काफी ब्यूटीफुल तरीके से ये बोट चली है, बुकाटी स्पेशल। भाई तुम लोगों ने कभी सीरियसली में सपने में भी सोचा था कि बुकाटी की बोट तुम लोग देख पाओगे? मैंने तो नहीं सोचा था। एंड यहाँ पर हमारे सामने बुकाटी वाली बोट है, क्या वैसे ब्यूटीफुल लग रही है किसी भी दूसरी बोट से अगर तुम लोग कंपैरिजन करो। कंपैरिजन ही नहीं है भाई, सबसे पहली बात तो ये है, कंपेयर करना ही सबसे बड़ी गलत बात है, क्योंकि क्या कंपैरिजन भाई, कोई नॉर्मल बोट एंड ये बुकाटी स्पेशल कितनी ब्यूटीफुल बोट है। खैर अपनी जो बुकाटी है जिसको मैं रेंट पे लेकर आया था साइमन के शोरूम से, वो मैंने वहीं विलेज में छोड़ दिया एक दिन के लिए। वो बंदा चलाएगा यार जिसने बोट रिपेयर की है, उसने बुकाटी पहले कभी देखी भी नहीं थी बताओ। खैर जो भी हो, 25 लाख में ये बोट खरीदी थी, मतलब 50 लाख में भाई आरसी बोट मैंने बना दी है, एंड वो भी उस बंदे से लाख गुना बेटर, बल्कि लाख क्या करोड़ गुना बेटर। उस बंदे की बोट ही क्या थी, सिंपल सी सस्ती सी लोकल सी तो बोट थी। अब ये देखो बोट, इसे कहते हैं अल्टीमेट आरसी बोट, थोड़ी फ्यूचरिस्टिक वाली फीलिंग आ रही है भाई। उस बंदे को जाके चमकाने वाला हूँ मैं, उस बंदे का भाई मतलब मुंह बन जाने वाला है, तुम लोग देखना। फिलहाल देखो ये झील जो है पूरी कनेक्टेड थी समुद्र से, तो हम लोग लिटरली में समुद्र के किनारे पहुंचने वाले हैं। एंड ये समुद्र कनेक्टेड है, कनेक्टेड क्या, यही समुद्र तो आगे जाके बीच हो जाता है लॉस सैंटोस का। तो डायरेक्टली अब चलते हैं क्विकली, लेट्स गो। ओके मैक्सिमम स्पीड, बूस्टर भी है इसके अंदर, बूस्टर लगा के तो 200 से ऊपर ही रहती है इसकी स्पीड। यहाँ से पहले अब लेफ्ट मोड़ते हैं, एंड देन अब देखना भाई क्या भगाता हूँ मैं इसे। तुम लोग लिटरली मैं इमेजिन ही करते रह जाओगे भाई, इतनी तेज भगाने वाला हूँ मैं इस बोट को। भाई मेरे हाथ में फुल कंट्रोल है इस बोट का, 250, ओ नो, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है ये। चलो चलो ओके, ये फिलहाल मिलिट्री बेस वाला इलाका। कितने बज गए हैं, 9:30 बज रहे हैं भाई, मतलब एक घंटा हो गया मुझे निकले हुए वहां से। हैं जल्दी पहुंच जाएंगे फिर भी। वेलकम टू द बीच एवरीवन, बज रहे हैं भाई 10:30, एंड 2 घंटे में वहां से यहां पहुंच गया मैं बोट का इस्तेमाल करके। काफ़ी तेज़ी के साथ भगाई है भाई मैंने बोट, कभी कभी स्लो हो जाती है जब ये बोट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, बट स्टिल कंटिन्यूस स्पीड में भगाई है। एंड तुम लोग बताओ जाकर गए इस कमेंट में कैसी लग रही है तुम लोगों को हमारी ये ब्यूटीफुल आरसी बोट। यस अभी क्या अभी जाओ गए एंड कमेंट में बताओ हमारी आरसी बोट, मतलब किसकी आरसी बोट बढ़िया लग रही है, मेरी या उस बॉडी बिल्डर की। भाई मुझे नहीं लगता कोई भी उस बॉडी बिल्डर की बोट कहेगा, वो भी आ चुका है मुझे लग रहा है। अच्छा आ गया भाई पहले ही, बहुत ही बढ़िया। हेलो भाई साहब, हेलो हाउ आर यू, जरा इस बोट पे ध्यान दोगे, मेरी बोट है। वो क्या है तुम्हारी भाई, 50 लाख में सर आपका बेवकूफ बना दिया है किसी ने, इसे आरसी बोट कहते हो? आरसी बोट सर इसे कहते हैं, एकदम खतरनाक एपिक ब्यूटीफुल आरसी बोट। एक रेस हो जाए सर, आ जाओ फिर सर, आर यू रेडी फॉर द रेस, लेट्स गो सर, 3, 2, 1 स्टार्ट। अरे सर बोट भगाओ, क्या कर रहे हो? अरे क्या बंदा है यार, ये बोट ही नहीं चला। अरे सर क्या हो गया, हेलो आ जाओ सर, डर गए क्या? ओके आ गया वो भी गाइस अपनी आरसी बोट लेके। फिलहाल यहाँ पर दो बोट्स चल रही हैं जिनके अंदर कोई भी ड्राइवर कुछ भी नहीं है भाई, एंड रेस लगाने वाले थे हम लोग तो। सर आपकी बोट तो बहुत ही स्लो है सर, लिटरली बता रहा हूँ, आपकी बोट के अंदर बिल्कुल भी जान नहीं है भाई। कितने पीछे छोड़ दिया मैंने उसे, अरे उसकी बोट तो नज़र भी नहीं आ रही, क्या स्लो है सर आपकी बोट। इसे कहते हैं रियल बोट, ये है सुपर आरसी बोट भाई, उसकी लिटरली में बहुत स्लो बोट है। वो देखो वो आ गई येलो कलर की। चलो सर एक बार और स्टार्ट हो जाए रेस, देखते हैं किसकी फास्ट है भाई। ये बोट है लेकिन चल मेरी बोट रही है जेट्सकी की रफ्तार में। सर एक बार और आ जाओ, आर यू रेडी सर, 3, 2 अरे घुमा लो इधर, अरे सर इधर घुमा लो, अरे हाँ ठीक है, आर यू रेडी सर, 3, 2, 1 लेट्स गो। अबे आ जाओ, अरे यार इसे कंट्रोल करना नहीं आ रहा, मैं बता रहा हूँ सच में, इसको ढंग से बोट ही नहीं कंट्रोल करने आ रही भाई। वो देखो कैसे चला रहा है। खैर आ जाओ मेरे पास आ जाओ, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे रेस, लेट्स गो। आ जाओ, कितनी पीछे देखना भाई, मैं फिर से छोड़ दूंगा। तुम लोग देखो भाई कितना सा अंतर था जब मैंने अपनी बोट को भगाना शुरू किया, एंड नाउ देखो भाई कितनी पीछे उसकी बोट रह गई है, अब तो कुछ देर बाद नजर भी नहीं आएगी। अरे कितनी स्लो है उसकी आरसी बोट, मेरी आरसी बोट से कंपैरिजन करने चला था भाई, मेरे से तगड़ी आरसी बोट हो ही नहीं सकती किसी की भी वर्ल्ड में। चलो सर वापस आ जाओ, लेट्स गो भाई। तुम लोग बताओ गाइस कैसी लगी तुम लोगों को मेरी ये बुकाटी स्पेशल, बुकाटी वाली थीम पे ये आरसी बोट। कलर भी देखो वही है ब्लू एंड ब्लैक, एंड ये कर्व की वजह से भाई पूरा फील आ रहा है बुकाटी वाला। इसको बैठ के भी चला सकते हैं एंड रिमोट कंट्रोल भी कर सकते हैं, बैठ के भी चलाने का अलग ही मजा होगा। लेकर आ जाओ सर अब भी अपनी बोट, कहाँ रह गई आपकी बोट सर, मैं बता रहा हूँ सर आपकी बोट बहुत स्लो है। खैर चलो गाइस अब बैठ के चलाते हैं इसे क्विकली। चलो भाई बैठ के भी चला सकता हूँ मैं, ये देखो कुछ इस तरीके से,
पहले रिमोट कंट्रोल चलाओ अब बैठ के। खैर जो भी हो, तुम लोगों को आज की वीडियो बढ़िया लगी हो गाइस वीडियो को जाकर लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी कैसी लगी ये बुगाटी स्पेशल बोट कमेंट में बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, गुड बाय।